आप लोग बताओ ये किसकी तरह दिख रहा है? डेकोरेट हो रहा है बेबी के लिए। बेबी फाइनली आ गया। मम्मी जा रही है, मम्मी को कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे रहोगे। तो गाइज आज से 1 मंथ पहले हमारे बिल्डिंग में एक छोटा सा नन्ना सा बाबू आया हुआ है, न्यू मेंबर हमारे बिल्डिंग का। तो उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट लेना है, तो वो लेंगे पहले। और आज उसका नामकरण भी है, यस गाइज, तो वहाँ भी जाना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले उसके लिए हमें गिफ्ट लेना है, तो चलो पहले वो लेते हैं, उसके बाद रेडी वेडी होके निकलते हैं। तो चलो उसके लिए देखते हैं क्या लेना है। गाइज आज मैं ऐसे ही चलूंगी मार्केट। अच्छी दिख रही हूँ ना? प्लीज कमेंट में बताना। गाइज यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है पर सामान भी तो लेना है बच्चे के लिए, तो चलते हैं। पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले उसके लिए कपड़े देखती हूँ, कुछ अच्छा कपड़ा नहीं मिला तो हम उसके लिए बेबी किट लेंगे या फिर कुछ और लेंगे, पहले देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ। गाइज यहाँ पे मैं बस ऐसे ही कपड़े देखने गई थी, पर सच में मतलब छोटे बच्चों का कपड़ा इतना प्यारा प्यारा होता है कि मेरे को एक पसंद आ गया और मैंने ले लिया। बेबी किट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब मुझे कपड़ा इतना अच्छा लगा कि मैं गई तुरंत लेके और पैक करवा ली कि मुझे यही लेके जाना है। तो गाइज मैंने ले लिया है कपड़े। गाइज इधर मम्मी कपड़ा देख रही है बाबू का, अच्छा है ना? ब्लू कलर ली क्योंकि गोरा सा है ना उनका लड़का शायद, फोटो देखा था एक बार। अब गोरे तो सब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अच्छा दिखेगा ना उसके ऊपर। 6 महीने का कपड़ा ली हूँ, 1 महीने का वो है। तो गाइज हो गई हूँ मैं रेडी। यस गाइज ये रहा मेरा लुक, कैसी दिख रही हूँ प्लीज कमेंट में बताना। एंड गाइज अभी मम्मी रेडी हो रही है, मैं और मम्मी जा रहे हैं। एंड गाइज हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मतलब बाजू में ही, जहाँ पे जाना है बाजू में ही हॉल है। तो मैं और मम्मी जाएंगे, बाकी कोई फ्री नहीं है कि कोई जाएगा, तो चलते हैं। मैंने कपड़े ले लिया है बाबू के लिए। बाबू कौन है उसे भी मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। चलते हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ प्लीज कमेंट में बताना। तो गाइज बस हम निकल चुके हैं, मम्मी भी रेडी होके निकल चुकी है, मतलब चल रहे हैं हम लोग। चल, अरे मम्मियों का काम यार, काहे बोलूं। चलो मम्मा, मेरी मम्मा है लाखों में। अरे बाली नहीं पहनी? गाइस मैंने हील पहना है, और इधर का देखो रास्ता। तो गाइस आ गए हम हॉल के बाहर, देख सकते हो गाइस डेकोरेट हो रहा है बेबी के लिए। ये भैया कर रहे, लेट हुआ क्या डेकोरेशन स्टार्ट? फिर गाइज मैं और मम्मी हम लोग गए स्टेज पे, हमें फोटोज निकालना था बेबी का, जो माझी नाव लिखा था वहाँ पे हमें फोटोज निकालना था। तो मैं मम्मी फोटो निकाले। मम्मी जा रही है, मम्मी को कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। और बारिश हो रही है क्या? थोड़ा थोड़ा जा रही है वो। तो गाइज पापा का कॉल आया था, पापा मम्मी को बुलाए, कुछ जरूरी काम था, तो मम्मी चली गई। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ बेबी के लिए। फिर गाइज यहाँ पे इन लोग में कुछ होता है, मतलब नामकरण होने से पहले, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे तैयारी चालू थी। तो गाइज यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह का सामान रखते, वो स्टार्ट हो चुका है। बेबी के पापा मतलब होगी प्रतीक्षा की काकी में, प्रतीक्षा की चाची लगोगी? अच्छा गाइज गेस्ट लोग देखो आ चुके हैं, मतलब मैक्सिमम आ चुके हैं, बाकी और आएंगे अभी। बेबी फाइनली आ गया, ये देखो ये है बेबी, ये है बेबी का पापा, और ये है बेबी की मम्मी। आप भी पढ़े पूरा आप लोग बताओ ये किसकी तरह दिख रहा है या फिर इनकी तरह? गाइस बेबी बहुत छोटा है तो हम ले नहीं सकते, मेरे को बहुत डर लगता है छोटा बेबी को लेने में। भगवान कृष्ण की पाई करते,
अच्छा, तो कृष्ण जी बना रहे हो? कृष्ण भगवान नहीं है। अच्छा गाइस, ये कृष्ण भगवान बना रहे हैं। पहले कृष्ण जी को रेडी करते हैं, बाद में बच्चे को डालते हैं। अच्छा, मतलब बाबू को इसमें झूले में डालेंगे, ये भी डालेंगे, इनको भी डालेंगे, कृष्णा को डालेंगे, फिर बाबू को डालेंगे। अच्छा, फिर गाइज यहाँ पे नाम रिवील करने से पहले इन लोग में कुछ ये सब चीज़ें होती हैं जो मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि मुझे भी करना था। तो ये जो आंटी है ये कर रही थी, उसके बाद बहुत सी लेडीज़ आ रही थी जो जिन्हें मतलब ये सब करना था, वो लोग जो भी गिफ्ट वगैरह लाते हैं तो ऐसे ही देते। तो मैंने नारियल तो लाया नहीं था, तो मैं बोली ठीक है वैसे ही जाती हूँ। फिर फाइनली मेरा टाइम आ गया, फिर मैं गई और ऐसे रोरी वगैरह लगाई, उसके बाद उन्होंने मुझे लगाया। मुझे लगाने के बाद फिर मैंने मतलब चावल वगैरह कैसे लगाते वो सब चीज़ें की। उसके बाद मैंने जो गिफ्ट लिया था बाबू का वो मैंने मेरी फ्रेंड को दिया। फिर गाइस ये होने के बाद फिर इन लोग में ये भी रस्में हो रही थी कि मतलब बेबी को झूलने के नीचे ऊपर कर रहे थे। ये टोटल 5 टाइम करना था, मतलब 5 बार इनको करना था। तो वो चीज़ें भी मैं कैप्चर की, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर अब जाके फाइनली बेबी को पालने में मतलब सुला दिया गया, पर बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसकी मम्मा उसके पास नहीं थी। फिर पालने में सुलाने के बाद फाइनली बेबी अपने मम्मा के पास गया। एंड गाइज ये टीका देखो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो अब फाइनली नेम जो है रिवील होने जा रहा है। यस गाइज आप लोग ध्यान दो, देखते हैं नाम क्या है क्या है क्या है। तो देख सकते हो बेबी का नाम रखा गया है राजवीर, जो कि उसकी मम्मा ने रखा है। आपने रखा है? वाह अच्छा नाम है। ये रहे बेबी के पेरेंट्स मम्मा पापा, और ये रहे बच्चे। उसके बाद मैंने प्रसाद खाया, जो कि मैं ज़्यादा ये पेड़ा खाती नहीं हूँ, पर मैंने सोचा कोई नहीं फर्स्ट टाइम है खाती हूँ, देखती हूँ कैसा टेस्ट है। वैसे भी आज बेबी को भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैंने ये मिठाई मतलब मस्त खाया एक। उसके बाद अब हो गया है मेरा निकलने का टाइम, तो चलो बेबी को बाय बाय करते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। सो गाइस फाइनली जो नामकरण था बेबी का वो हो चुका है और मैं घर भी आ चुकी हूँ। सर पे मैंने ऑयल रख लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा सर दर्द कर रहा था। एंड गाइज बेबी का नाम है राजवीर, जो बहुत ज़्यादा ही प्यारा नाम है। और बेबी का नाम जो रखा गया, जिसने रखा है वो उसकी मम्मा ने रखा है, मतलब जो मेरी फ्रेंड प्रतीक्षा है उसने रखा है। काफ़ी अच्छा नाम रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज आप लोगों को बेबी कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में बताना, और उसके लिए एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।